प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने वृक्षारोपण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति यह वर्ष पूरे होने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। जिले में 15 अगस्त तक करीब 11,67,774 पौधारोपण का लक्ष्य है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी और कहा कि 100 दिन की कार्यशैली की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और सभी विभागों में इसी तरह से पेड़ लगाने का लेकर संकल्प भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर जिले में 28 लाख पौधे समस्त विभागों के द्वारा लगाए गए। 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है सरकार का, और मैं जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कि 100 दिन में सभी विभागों ने जो एक कार्ययोजना बनाई थी, उस कार्ययोजना को 100 दिन में कितनी पूरी हुई है, इसका रिपोर्ट कार्ड जमा किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रोजगार एक बड़ा मुद्दा हमारी सरकार के लिए था और है भी, और इन 100 दिनों में करीब जो थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, एक ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए और उसमें करीब लाखों लोगों के 6 लाख नौजवानों के रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। एक ही बड़ा निर्णय 100 दिनों में, साथ ही साथ 10,000 नई भर्तियाँ, नए जो नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरपानी मयूरी जी ने इन 100 दिनों में करने का काम किया है।